प्रथला के गांव सरूरपुर में प्रशासन द्वारा की गई तोड़फोड़ के विरोध में आज सैकड़ों लोग प्रथला के विधायक नैनपाल रावत के निवास पर पहुंचे और उनसे वहां पर हुई तोड़फोड़ को लेकर गुहार लगाई गई। विधायक नैनपाल रावत ने लोगों को आश्वासन दिया कि जो भी नुकसान हुआ है वह अपनी सैलरी से भरपाई करेंगे। दिखाई दे रहा यह नज़ारा प्रथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक व हरियाणा वेयरहाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत के निवास का है, जहां पर आज गांव सरूरपुर में बस्सी कॉलोनी के प्रशासन द्वारा की गई तोड़फोड़ से हुए नुकसान को लेकर यह लोग अपनी गुहार लेकर आ रहे हैं। इन लोगों की माने तो प्रशासन ने इनके साथ अन्याय किया है, क्योंकि उनके पास रजिस्ट्री है और इनके अलावा दाखिल खारिज भी चढ़े हुए हैं। साथ ही बिजली के मीटर भी लगे हुए हैं, लेकिन बिना किसी नोटिस के उनके घरों में तोड़फोड़ की गई। साथ ही महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसको लेकर विधायक नैनपाल रावत से मिलने पहुंचे और सारी घटना उनके समक्ष रखी। वहीं विधायक नैनपाल रावत ने उनको आश्वासन दिया कि जो भी नुकसान हुआ है वह उसकी भरपाई करेंगे। वहीं इस संबंध में जब मिथिला के विधायक एवं हरियाणा के राहुल के चेयरमैन नैनपाल रावत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनको काफ़ी दुख पहुंचा है। जो लोग पिछले कई वर्षों से वहां पर अपना मकान बनाकर रह रहे थे उनके मकान पर तोड़फोड़ की गई है, जबकि जो सरकार के आदेश हैं उनके अनुसार जो भी नई कॉलोनियां कटती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों से बात की, आगे उनको कॉलोनी में तोड़फोड़ ना करने की हिदायत भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई वह अपनी सैलरी से करेंगे। मेरा नाम गुड़िया गुप्ता है। किस लिए पहुंचे आप लोग यहां? हमारी कॉलोनी में कल तोड़फोड़ हुई है और हमारी कॉलोनी में से औरतों को बाहर निकाल के भी मारा भी गया है, सिर भी फोड़ा गया है और बाहर निकाल के भी घर तोड़ा गया है। बने बनाए मकान, इतना पता है कि नई कॉलोनी में टूट फूट होती है, लेकिन बाउंड्री टूट फूट होती है। हमारे पास अगर वो कॉलोनी नॉर्थराइज है, गवर्नमेंट की नजर में मीटर लगे हुए हैं, वहाँ खम्भे लगे हुए हैं, रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री ऑनलाइन होती है, गवर्नमेंट की नजर में भी पहुँचता है। जब रजिस्ट्री है सब चीज है, तो आप बंदे को घर में से बाहर निकाल के कैसे तोड़ सकते हो? लॉकडाउन वैसे ही 3-4 महीने से लोग खाली बैठे हैं घर में, कहाँ से लाएंगे पैसे? लोगों के पास इस टाइम खाने के पैसे नहीं है। हमें ये आश्वासन है, हमारे पास ये है, हम यहाँ आए हाथ जोड़ के, विधायक साहब के पास हाथ जोड़ के आए कि जो भी नुकसान हुआ है, जो भी गरीबों का घर टूटा है, जो भी बहन भाई के घर टूटे हैं, उनका जो नुकसान हुआ वो भरपाई हो और आगे से ऐसे घर ना टूटे, लोग बेघर ना हो। रो रो के लोगों का वहाँ बहुत बुरा हाल है सर। कॉलोनी हमारे पास की जाए, सीवर डलवाया जाए, सारे चीज। सर जी ने ये बोला है कि जो भी नुकसान हुआ है 2 लाख का 3 लाख का 5 लाख का, वो जो अभी नैनपाल सिंह जी ने बोला है, हम अपने तरफ से अपनी सैलरी में से मैं वो भरपाई करूंगा। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है और वो हमारे यहाँ पे आएंगे और उन्होंने गारंटी लिया है कि आगे से ऐसा तोड़फोड़ कुछ भी नहीं होगा, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ। और वो कह रहे हैं इस चीज को लगभग 5-5 साल हो चुके हैं मकानों को बने हुए और जिसमें फैमिली पूरी रह रही है, कंप्लीट रह रही है, घर पूरी तरह से घिरे हुए हैं एक दूसरे से, उनके सामने के गेट तोड़े गए हैं, वो इतने पुराने हैं, उनकी रजिस्ट्रियां हैं, दाखिल खार चढ़े हुए हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन ने जो निकाल के जबरदस्ती लगभग ये 25 मकान के आसपास तोड़े गए हैं वहाँ पे। ठीक है, विधायक साहब ने आश्वासन दिया है कि आगे से कोई भी वहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी और जो भी मकान बन चुके हैं उनमें कोई भी तोड़फोड़ नहीं होगी। उन्होंने प्रशासन से बात की है और दूसरा आश्वासन ये भी दिया है कि उन्होंने अपनी सैलरी से, अपनी जो कमाई से है, और जो लोगों के मकान टूटे हैं उन लोगों को वो अपना सैलरी से उनकी मदद करेंगे और उनके मकानों को दोबारा से इस्टेब्लिश करने में उनकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। बहुत सारी महिलाएं पहुंची हैं, बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, ये हमारे जो सरूरपुर गांव के पास शामनगर और दुर्गा कॉलोनी है, वो बहुत पुरानी जो है ना वहाँ पे बसी हुई है और पीछे माननीय दुष्यंत चौटाला जी जब आए थे ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में तो इनके बिजली का और पानी का मुद्दा भी वहाँ पे उठा था। तो सरकार की ये मंशा है कि जो कॉलोनी बस चुकी हैं आगे कॉलोनी ना बसे, क्योंकि जो कॉलोनाइजर है उसके खिलाफ सरकार बहुत सख्त है। बहुत बड़ा लॉस नए कॉलोनी काटने से सरकार को हो रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो मकान पहले बन चुके हैं, जिनकी रजिस्ट्री पहले हो चुकी है, चाहे वो 2012 की है, 10 की है या 13 की है, जो अभी पुराने हमारे पिछली सरकार में या पिछली सरकार से पहले जो कॉलोनी बन गई है, कट गई हैं, उन जनमानस को सुविधा देना हमारा और हमारी सरकार का कर्तव्य बनता है। तो कल को तोड़फोड़ विभाग ने इनके साथ जाके कुछ मकानों को जो तोड़ा है, इनके कहे अनुसार
लोगों को घर से निकाल के तोड़ा है वो निंदनीय है। और उसकी मैं सरकार में होने के नाते इस बात की मुझे दुख है कि मेरे क्षेत्र के अंदर इस तरह की तोड़फोड़ हुई है। लेकिन आगे से मैंने अधिकारियों से भी बात की है, आगे से इस प्रकार की जो घर मकान बस गए हैं उनमें तोड़फोड़ नहीं होगी, नई कॉलोनियां जो होंगी उनको बसने नहीं दिया जाएगा। तो उस समस्या को लेकर के आए थे, इनकी समस्या से मैं पूरी तरह अवगत हूँ। और जिनके मकान टूटे हैं, जो भी कोई लाख का 2 लाख रुपये का अगर कोई खर्चा भी होगा तो वो मैं वहन करूँगा, क्योंकि ये गरीब आदमी है, मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, तो इनके साथ थोड़ा अन्याय हुआ है और उसको आगे से रोकने का प्रयास भी मेरा पूरा रहेगा। तो आगे से प्रशासन से बात हो गई कि आगे से ऐसी कोई तोड़ जी? बिल्कुल, प्रशासन के साथ बात होगी। आगे से किसी भी जो घर बस गए हैं किसी को घर में से निकाल करके मकान तोड़ने की इजाज़त नहीं है। जो मकान पुराने बस गए हैं वो बस गए हैं, आगे से इस तरह की कोई कार्रवाई मेरे प्रतिभा विधानसभा में नहीं होगी। थैंक यू।